कावेरी नदी है पूरा, वो जो बह रही है पूरी इस तरह से इधर जा रही है। जो मूर्ति दिख रही है आपको इस तरह से ही अंदर बहुत बड़ी मूर्ति है। अभी ये क्रिकेट खेल रहे तो अपन क्रिकेट खेलने लग गए फिलहाल। अभी तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं जहाँ पर हूँ वो एक्चुअली टीपू सुल्तान जो है उसकी डेथ प्लेस है, मतलब टीपू सुल्तान का जो मृत्यु स्थल है वहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेन कैमरे से कि वो समाधि स्थल कौन सा है। ये जो आप देख रहे हो ये टीपू सुल्तान का समाधि स्थल है, ये देखो आप। इधर कुछ वाटर गेट करके यहाँ पर पता नहीं कहीं का गेट है, लिखा हुआ भी है, हम सोच रहे हैं पीछे ले लें। प्रोटेक्टेड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। ओ वो अम्मा बता रहे थे कि इधर से अंदर से आपको पानी दिख जाएगा। चलो देख के आते हैं क्या है अंदर। यार इधर तो रास्ता है यार बहुत आगे तक। चलो इधर बाद में आते हैं अभी फिलहाल। सो फिलहाल अभी मैं आया हुआ सर और इधर क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने कहा उधर से आते हो पूछ भी लेते हैं इन लोगों से। हालांकि मैंने वहाँ आगे भी पूछ लिया था पर इधर तो भी पूछ लेता हूँ मैं। तो इनका बोलना है कि टेंपल नहीं खुला हुआ है। आई प्ले विथ यू कम कम आई कैन आई एम ब्लॉगर भरत इंदौरी हाँ एमपी मध्य प्रदेश इंदौर। हाँ अभी बंद टेंपल अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है 1800 तो अभी ये क्रिकेट खेल रहे तो मैं। अभी ये क्रिकेट खेल रहे तो अपन क्रिकेट खेलने लग गए फिलहाल अभी। और अभी बॉलिंग तो हो गई अब बैटिंग चल रही है। तो फिलहाल अभी एक मैच तो हो गया है अब दूसरा मैच चलेगा। और ग्राउंड काफी बड़ा है उधर से लेके पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। इधर भी क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। हम लोग चलते हैं यहाँ से उधर चल के आ जाते हैं। अगर ओपन होगा तो ठीक है वरना फिर बाहर से अपन जितना देख पाएंगे उतना देख लेंगे ठीक है। सो फिलहाल बाहर से तो आप देख सकते हो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी शॉप्स और ये सारी इधर बंद पड़ी हुई क्योंकि एक्चुअली क्या लॉकडाउन है तो उस हिसाब से भी कोई ओपन नहीं किया है। बाकी मंदिर हमारे जस्ट सामने है और मंदिर का गेट तो लगा हुआ है। अभी शायद ये एक दो दिन का बाद बता रहे एक दो दिन बाद ही ओपन हो जाएगा। ये इस तरह का मंदिर है ये इसका एंट्रेंस है एक्चुअली ये। और ये जो मूर्ति दिख रही है आपको इस तरह से ही अंदर बहुत बड़ी मूर्ति है। तो वो ये कि अभी लॉकडाउन की वजह से ये मंदिर जो है ओपन नहीं हुआ है ना। इसकी नक्काशी देखेंगे आप तो बहुत ही प्यारी नक्काशी की हुई है। हम सोच रहे थोड़ा उधर जाके आते हैं कुछ किस तरह का क्या है। और ये इस तरह से कुछ मंदिर है आप देख रहे होंगे मेरे पीछे और यहाँ कुछ बनाया हुआ है। एक मिनट रुकिए देखें रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये पूरा शायद नक्शा है इसका। यू आर हियर ओके। अच्छा तो ये चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ मंदिर ऐसा लग रहा है मेरे को क्योंकि इसके पानी दिखा रहा है सब जगह। ये पूरा कावेरी रिवर है इसमें देखो आप पूरा इसका नक्शा दिया हुआ है इसका। तो ये बोर्ड पे जो था वो मैंने आपको बताया है तो आप बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए तो आप देख सकते हैं। और अपन आगे चल के आते हैं उधर इधर आगे और कुछ कुछ देखने का हो तो अपन देख के आते हैं। और इधर सामने पार्क बना हुआ है था वॉकिंग ओके बैक साइड नथिंग हाँ परिक्रमा ओके यू आर लोकलाइट हियर हाँ वेरी वेरी गुड हाँ व्हाट अबाउट यू वांट टू से अबाउट दिस टेंपल व्हाई दैट टेंपल इज सो फेमस रंगनाथ रंगनाथ हाँ सो इनसाइड भगवान विष्णु की मूर्ति हाँ ओके ओके थैंक यू सर बैक साइड फ्रॉम देयर साइड ओह थैंक यू। तो इधर वो सर थे उन्होंने बताया कि उधर पीछे आप पानी है तो उधर आप जा सकते हो। तो फिलहाल अपन उधर चलते हैं और उधर का भी थोड़ा नज़ारा देख के आते हैं किस तरह का। देखो अंदर नहीं जा सकते यार एक्चुअली अंदर क्या ना गेट लगा हुआ है तो अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारी मर्जी से तो हम जा नहीं सकते अंदर।
तो इस तरह से कुछ है ये, और यहीं से आप अभी खुला नहीं है, सिर्फ यहीं से दर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जय हो प्रभु आपकी लीलिया न्यारी। और अभी ओपन कब होगा सर ये? 5 ओके। तो अभी ये 5 जुलाई तक ये वाला मंदिर ओपन हो जाएगा, तो अगर जो देखना चाहें वो आके देख सकते हैं। तो फिलहाल अपन चलते हैं, इधर पीछे वाटर बता रहे कहीं, तो ये देखो कितना प्यारा आ रहा पीछे से दृश्य। और सुपर यार, मैं आपको बताता रुको। अच्छा अब समझ में आया कि घरों के बाहर वो क्यों लगा रहा था। एक्चुअली ये ऊपर लगा हुआ वही है मूर्ति। ओहो ये देख रहे हैं आप, यही मूर्ति अक्सर ये बात करो, ये बहुत सारे घरों में लगी हुई है। फिलहाल ये आप अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा पूरा पानी का नज़ारा, और बहुत ही शानदार यहाँ से दिख रहा है। अभी अपन वहाँ नीचे तक चलते हैं, और गजब व्यू है यार यहाँ का तो। सुपर। हाय हेलो, इधर से और कहीं उधर भी जाने का रास्ता किधर? बस यही देखने का, इधर उधर उधर भी ऐसा देखने का, ऊपर से ऊपर से भी है वाटर। कावेरी ना? कावेरी। तो ये अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कावेरी नदी है, पूरा वो जो बह रही है पूरी इस तरह से इधर जा रही है इधर। हाँ, अब कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है। आता है नदी देखने पानी, और इधर यहाँ ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, कट्टेमड़े ऐसा अपन जो अंगमन चौकचंग खेलते हैं, अपने उधर जो बोलते हैं जो उसके दाने, इमली के दाने से जो खेलते हैं हम लोग अंगमन चौकचंग, वो ये कट्टेमड़े, इसको यहाँ कट्टेमड़े बोलते हैं, तो ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। इधर मंदिर है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर। हाँ नाग मंदिर है यहाँ तो। ओहो जय प्रभु आपकी। ये इधर नाग मंदिर एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ, वो एक्चुअली कावेरी जो रिवर है वो निकल रही है यहाँ से, और ये जो जगह है वो जगह मैं बार बार नाम बोल रहा हूँ, शिव श्री रामापट्टा व्हाट नेम ऑफ प्लेस, श्री रंगपट्टना। तो ये जो जगह है वो है श्री रंगपट्टना, और इधर देखेंगे आप तो पूरी नदी बह रही एकदम, ये जो है ये वाली नदी जो है कावेरी नदी है। तो इधर देखो पूरा पानी पानी दिखेगा आपको, जिधर देखेंगे वहाँ तक आपको पानी पानी दिखेगा। ये देखो आप, और उधर तक फैली हुई है, अभी तो इतनी बरसात हुई नहीं है, मेरे हिसाब से बरसात होती थी तब तो ऊपर तक पानी आ जाता होगा, बारिश में पानी इधर तक। हिंदी नहीं, इतना ही रहता ये है अभी, इतना ही कहाँ तक, इधर ऊपर तक, हाँ ऊपर तक, हाँ सच में ऊपर वहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ ये जो बता रहे हैं अभी, ये पानी जो है ना, ये पानी ये यहाँ पर है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात में पानी वो ऊपर तक जो दिख रही सीढ़ी आपको वहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ का यहाँ के जो लोकलाइट है वो हमको बता रहे हैं। अरे पिसे ये फिश इसी में से निकाला है, इसी में से बड़ा पीस हुए लोग। ये मंदिर है यहाँ पर, इधर भी देखेंगे तो लोग चिल मार रहे उधर बैठे हुए हैं। हेलो 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 नो हेलो, इधर देखेंगे आप लोग बैठ के आराम से चिल मार रहे हैं अपना। नो हिंदी नो कन्नड़ा, हिंदी एमपी मध्य प्रदेश में इंदौर। थोड़ा है हिंदी। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर हम लोग यहीं बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि कल आने का वापस था मेरा मूड इधर, लेकिन कल हम लोग इधर नहीं आएंगे, कल और कहीं अगर कोई यहाँ देखने का प्लेस होगा तो वहीं हम चले जाएंगे। फिलहाल इधर आगे थोड़ा और आगे चल के आते, देखो पानी कितना शानदार बह रहा है यहाँ से, पूरा एकदम क्लीन वाटर, अच्छा वाटर। और उधर देखेंगे तो अंदर घास है पानी के अंदर, उधर आगे तक चल के आते अपन, और यहाँ अपन बैठ सकते हैं, मतलब यहाँ लोग चिल करने के लिए मैंने देखा आ रहे हैं, वो लोग बैठ के अपना खाओ कुछ भी। ओके तो इधर पार्टी भी कर रहे हैं लोग। फिलहाल अभी इधर आगे तक है तो पानी तो जाना ही है, तो ऊपर ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, थोड़ा और आगे हम जा रहे हैं वहाँ लास्ट है इसका बाउंड्री, और उधर भी है लेकिन उधर हम गए नहीं,
एक जगह और मैंने आपको दिखा, अभी दिखाने वाला हूँ मैं वो जगह। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता वैसे तो, बाकी उधर आगे भी कुछ बना हुआ है इधर अंदर तक। उधर भी पानी, उधर उधर नहीं, ये वाला इधर गेहूँ घर। हाँ ओके ओके, पानी इतना ही, इतना ऊपर तक बरसात यहाँ तक, यहाँ तक। ओ ओ, ये भैया बता रहे कि वो उन्होंने बोला पानी वहाँ ऊपर तक चला जाता है, तेज ज्यादा आता है तब। हाँ आप इधर कहीं, इधर आप इधर कहीं। हाँ डैम किधर आ गया? डैम इधर 28 किलोमीटर आता है टुवर्ड्स मैसूर। हाँ मैसूर केरस डैम। हाँ डाउन गार्डन फिश, फिश कैचिंग फिश। यस। हाँ कौन सा वाला? एमपी मध्य प्रदेश इंदौर। इधर इधर घूमने आता है ऐसे, पूरा पूरा भारत घूम रहा है ऐसे। फिर उसके बाद नेपाल भूटान म्यांमार थाईलैंड सब तरफ। सेव द ट्री सेव दर्ड, पेड़ नहीं काटने का ऐसा। खाले ट्रिप। हाँ खाले ट्रिप मारने का, पेड़ नहीं काटने का ऐसा मैसेज देने का। मैसूर देखो बहुत अभी अच्छा है। यूट्यूब 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 भारत इंदौरी यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। हेलो 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 यूट्यूब यूट्यूब। हाँ हेलो, इधर पटन से घूमने का पूरा तुमको 8 प्लेस है। हाँ बहुत है, सुबह आना इधर नहीं। किधर 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 प्लेस, प्लेस का नाम, प्लेस टेम्पल है रंगनाथ का, आदिरंगा टेम्पल। हाँ और जम्मू मस्जिदी है, जम्मू मस्जिदी। टिपू टिपू देख ले, टिपू सुल्तान प्लेस डेड प्लेस देखा देखा। टिपू जेल है ऊपर, टिपू जेल इधर किधर सामने जाके टिपू जेल है, आराम से देख सकते। वो मॉन्यूमेंट है और ऊपर जाए तो डो रिवर डिवाइड होता है ना वो मिलता है तुमको। किधर किधर? और वो भी 1 किलोमीटर जाए उधर में जाके, इधर सीधे सीधे ऊपर जाके रास्ते में। हाँ इधर इधर नहीं गया। ओके बाय बाय। ऐसे देखा जाए तो मूर्ति है अंदर यार, ये देखो आप, ये अंदर मूर्ति दिख रही है आपको। उधर उधर वहाँ अंदर भी देखोगे तो अंदर भी मूर्ति दिखेगा। यहाँ पर आए तो कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आए, क्योंकि यहाँ आसपास देखने के लिए बहुत कुछ है। और रुकने के लिए आपको होटल्स यहाँ मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा आप अगर आते हैं कभी इन फ्यूचर। उसके अलावा यहाँ वो टेंपल है, टेंपल के अंदर अभी अलाउड नहीं है, ओपन नहीं है, इसलिए मैं वरना दिखा नहीं पाया आपको। टीपू सुल्तान का यहाँ पर किला है, वो उसकी टीपू सुल्तान की समाधि है यहाँ पर। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए हैं। हालांकि मैसूर में भी है, मैसूर में भी जाके देख सकते हो आप। बाकी तो फिलहाल और जैसे जैसे प्लेसेस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको कवर करता जाऊँगा। तो फिलहाल आप अभी थोड़ा नज़ारों का आनंद लीजिए और मैं भी थोड़ा नज़ारों का आनंद ले लेता हूँ। ट्रेन भी निकल रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा हो सकता है कैमरे में, और उधर सूर्यास्त हो रहा है। क्या प्यारा दृश्य है, अगर इसको ऊपर से देखा जाए सूर्यास्त को तो मजा आ जाएगा इसको।